बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही थी घर पर जो है मलाई से देसी घी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलें आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं मलाई के साथ घर में ही कैसे देसी घी बनाती हूँ और ये कितना मज़े का होता है और कितना ज़बरदस्त इसका जायका होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक डोंगे में मलाई जमा की हुई है जो कि खालस दूध की है, और मैं रोज़ाना दूध के ऊपर से मलाई उतारती रहती थी। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन अब ये 3 पाव या 1 किलो के करीब आप कह सकते हैं मलाई जमा हो चुकी है, और अब हम इसका देसी घी बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका मलाई का देसी घी मैं घर पर कैसे बनाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाही ली है और इसके साथ मैंने ये स्पून लिया है। अब मैं ये तमाम मलाई जो कि मैंने आपको दिखाई है, ये मैं सारी मलाई इसमें निकालूंगी कढ़ाही में, और ये निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या करूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम मलाई जो है डोंगे में से निकाल के कढ़ाही में डाल दी है। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता। हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अभी फ़िलहाल हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि मलाई जो है वो अच्छे से गल जाए और पिघल जाए। जब मलाई पिघल जाएगी तो हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो जब तक मलाई पिघलती है मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसके बाद। अब आप देख सकते हैं कि मलाई बिल्कुल अच्छे से जो है वो पिघल चुकी है, और अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो हीट पर इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी मलाई आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पक रही है, और इसमें से आहिस्ता आहिस्ता अब घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा सा मैं आपसे 10-15 मिनट के बाद फिर मिलती हूँ। देख सकते हैं कि हमारा घी जो है वो बनना शुरू हो गया। अब हम इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसकी छाछ जो है वो भी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमने जो है 15 से 20 मिनट में सिर्फ मलाई से घर में ही देसी घी बनाया है, और अब हमारा घी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको मैं बर्तन में ठंडा करने के बाद डिश आउट करती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा ये ज़बरदस्त सा देसी घी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।